द ग्रेट चार्ली चैपलिन, जिनकी करतब लोगों को खूब हंसाए पर उनकी असल जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव रहे। चार्ली का जन्म 16 अप्रैल 1889 में लंदन में हुआ। उनके माता पिता म्यूजिक हॉल में सिंगर और जूनियर आर्टिस्ट थे, इस वजह से वो बचपन से ही आर्टिस्ट बनना चाहते थे, पर उनका बचपन बहुत ही मुश्किल से गुजरा। एक बार उनकी माँ स्टेज शो के दौरान गाते गाते गिर गई थी, तब पब्लिक स्टेज पर जूते फेंकने लगे। ये सब देख चार्ली ने माँ को बचाने के लिए 5 वर्ष की उम्र में स्टेज पर जाकर गाने लगे, जो दर्शक को बहुत पसंद आया और उन्हें बहुत सारे पैसे भी दिए, जो चार्ली की पहली कमाई थी। चार्ली समझ गया था कि उनकी असल जिंदगी की गरीबी लोगों को कॉमेडी लगती है, और आगे चलकर उन्होंने अपनी गरीबी को कॉमेडी के रूप में प्रेजेंट किया और पूरी दुनिया उस पर हंसती रही। उसी दौरान उनके मम्मी पापा आपस में तलाक लेकर अलग हो गए, जिस कारण चार्ली अकेले अनाथालय में कुछ दिन रहे। चार्ली की फिल्म लाइमलाइट 1952 में रिलीज हुई, पर अमेरिका ने उसे बैन कर दिया। उसने अपने शादी ओना ओनेल से किया और स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए। वहीं पर उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी से हुई। 1940 में द ग्रेट डिटेक्टर में बेस्ट एक्टर और 1952 में उनकी फिल्म लाइमलाइट म्यूजिक के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता। उनकी एक्टिंग आज की पीढ़ी भी नकल कर रही है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने चार्ली से कहा था कि मैं फैन हो गया हूँ आपका, आप एक शब्द भी किसी से नहीं कहते पर तब भी दुनिया आपको समझ जाती है। आखिर में चार्ली की मौत 25 दिसंबर 1977 को हुई, जिसे दफनाने के 3 महीने बाद उनकी लाश को कब्र से चुरा लिया गया, या कह सकते हैं किडनैप कर लिया गया था, जिसे लौटाने के लिए भारी भरकम रकम की डिमांड की जा रही थी। लेकिन इससे पहले वो शख्स गिरफ्तार हो गया।